भाई अर्ली मॉर्निंग आजकल ना वेदर बहुत सही हो रहा है। सो भाई फिलहाल अभी ना मार्केट के नियर बाय पहुंचने वाले, फाइनली आज कुछ रिलीफ हो गया है ना, और अभी कल अपने को वापस। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफी पॉजिटिव होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। भाई नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, फिलहाल अभी चल रहे हैं अपने ऑफिस की तरफ, और उससे पहले अपने को एक छोटा सा काम है। भाई अगर व्लॉग पहले से देखते तो भाई आपको बताओगे, भाई कुछ ना कुछ छोटा मोटा अपने को काम रहता ही है मार्केट में, या फिर ट्रांसपोर्ट का कुछ ना कुछ छोटा मोटा रहता ही है भाई अपने साथ ना। तो फिलहाल अभी ना दो काम है अपने को, एक छोटा सा काम है, एक स्टेशनरी से रिलेटेड है, और दूसरा ना एक अभी दिखाता हूँ, वो देख रहे हो भाई, वो बैक सीट पे वो जो रखा है ना, दिस इज मल्टीमीटर। तो इसको यार चेक करवाना है, ये कुछ सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो अपने को वहाँ पर दिक्कत आ रही है ना। तो एक इसको दिखाएंगे और दूसरा चलेंगे अपना स्टेशनरी वाला काम फिनिश करेंगे, दैट्स ऑल, और फिर सीधा निकलेंगे अपने ऑफिस के लिए। भाई अर्ली मॉर्निंग आजकल ना वेदर बहुत सही हो रखा है भाई यहाँ पर ना अपने दिल्ली एनसीआर में, मतलब थोड़ी सी सनलाइट जरूरी जो होती है ना विंटर्स में, तो वो सनलाइट यार मज़ा आ जाता है। सुबह सुबह अगर वेदर क्लियर होना और सनलाइट आपको मिले, देन ऑल विल बी गुड। तो भाई फिलहाल अभी ना मार्केट के नियर बाय पहुंचने वाले हैं, और अब चलते हैं स्टेशनरी, अपना काम फिनिश करते हैं। तो भाई फिलहाल यार अपना स्टेशनरी वाला काम खत्म हो चुका है, और अभी यहीं कहीं अपने को ना आगे जाना है। मैं थोड़ा सा ना शॉप ढूंढ नहीं पा रहा हूँ एक्चुअल में, मेरे ख्याल से तो इधर ही था, आई थिंक थोड़ा सा या तो आगे होगा। चलते हैं फटाफट भाई स्टेशनरी का काम फिनिश करके ना, इस काम में इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था बट लग रहा है। सो भाई काम अपना फिनिश हो चुका है, अब चल रहे हैं गाड़ी की तरफ। सो फाइनली गाइस निकल चुके हैं अभी अपने ऑफिस से, और भाई बहुत ज्यादा हेक्टिक डे जो चल रहे थे अपने, फाइनली आज कुछ रिलीफ हो गया है ना, और अभी कल अपने को वापस आना पड़ेगा वर्क प्लेस पे, क्योंकि भाई कल कुछ ना इंजीनियर्स की विजिट है, तो भाई आना जरूरी है, मैंडेटरी है। तो भाई कल आएंगे फटाफट यहाँ पर आएंगे और देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो भाई थोड़ा सा यार वीकेंड देखो बिजी चला गया, कहीं निकल नहीं पाए, कहीं जा नहीं पाए, बट एनी हाउ जल्दी निकलेंगे, जल्दी करेंगे, बस थोड़ा सा और 3 से 4 दिन मैक्स टू मैक्स है ना। फिलहाल अभी घर की तरफ चल रहे हैं भाई, और क्योंकि लेट काफ़ी है तो भाई कोई ट्रैफिक मिल नहीं रहा है, क्लियर रोड्स मिल रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है। तो भाई अभी ना फिलहाल इश्मीत भाई का भी कॉल आया हुआ था, बट भाई अभी यू नो इट्स नॉट द टाइम, अभी थोड़ा सा यार हैक्टिक है, और मैं भी यू नो अभी मेरे को भी यार घर पहुंचना है, और भाई मैंने टू बी वेरी फ्रैंक भाई मैं लंच भी नहीं कर पाया, इतना बिजी था ना, इतना ज़्यादा बिजी था ना, ऑल डे टोटली प्रोडक्टिव डे था और अच्छा था, बट भाई हैक्टिक बहुत था। भाई अभी तक तो रोड क्लियर मिल रहे थे, और अभी यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक मिल गया है, थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रक हो गए, ऑल दो यहाँ पर होते नहीं है बट क्योंकि वीकेंड है तो भाई आप कुछ कह नहीं सकते भाई आज क्या हो रहा होगा रोड पे। भाई मेरे को लग रहा था मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा बट ट्रैफिक मिल ही गया है यार फाइनली ना, और अभी थोड़ा सा अभी है टाइम, बट फिर भी यार अभी ना घर पहुंच कर ही कंटिन्यू करते हैं अपने व्लॉग। सो हाँ जी भाई फिलहाल अभी घर पहुंच चुके हैं, और भाई बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, लेट हो चुका है भाई, लेट LATE तो यार एक्चुअल में ना लेट होने का रीज़न वही है, आपको पता ही है, मैं बार बार उसको क्या ही रिपीट करूँगा है ना। तो फिलहाल के लिए अभी भाई कल अपने को ना कुछ ट्रिप पर निकलना था, बट एक्चुअल में यार अपने को ऑफिस जाना पड़ रहा है,
बट यार वो भी काम कोई खास ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ज़्यादा ड्यूरेशन का नहीं होगा, तो डेफिनेटली एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिप कहीं ना कहीं का ज़रूर करेंगे, कुछ ना कुछ नया ज़रूर खुद भी एक्सप्लोर करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। और यार अब तो मैं ना पूरा मतलब व्लॉगिंग जब से शुरू करी ना, आपको पता है यार मेरे को खुद वीकेंड का वेट होता है, बट ये वाला महीना भाई ऐसा गया ना यार, ऐसा गया ना भाई। देखो पहले तो फैमिली के अंदर मैरिजेस वगैरह थी, तो भाई आपको पता है यार बहुत बिजी हो गए, और उसके बाद भाई फिर जब फैमिली के अंदर मैरिजेस वगैरह हैं तो भाई थोड़ा छुट्टी वगैरह भी हुई है ना, तो और ज़्यादा ना मैनेज हो ही नहीं पाया यार हॉलीडे वगैरह लेना। बट डेफिनेटली नाउ बैक टू बैक ट्रिप्स भाई, बैक टू बैक ट्रिप्स, मज़ा आने वाला, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला, इनफैक्ट फुल ऑन एंटरटेनमेंट, फुल ऑन मज़ा होने वाला है। और भाई आप लोगों के लिए बहुत जल्द आपका भाई सरप्राइज़ लाने वाला है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना बैक एंड पर प्लानिंग में चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही हैं, बहुत सारे प्लान्स बन रहे हैं, बट अभी देखते हैं कि एग्जीक्यूट क्या क्या हो पाते हैं, क्या क्या कर पाएंगे, क्या क्या नहीं कर पाएंगे, वो एक चैलेंज है। और चैलेंजेस लाइफ में ना हो तो फिर मज़ा कैसा भाई। तो भाई चैलेंजेस को फेस करेंगे और फिर देखेंगे क्या एक्चुअल में अचीव कर पा रहे हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं वो हम अचीव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, कैसे कर पा रहे हैं, वही सारी चीज़ें यार थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं, देख रहे हैं, टाइम लग रहा है, बट डेफिनेटली देर विल बी रिजल्ट्स, देर विल बी आउटकम्स। तो भाई फिलहाल के लिए ना अभी जो अपडेट है वो यही है कि यार कल अपने को थोड़ा सा ऑफिस के बाद ना वहीं से एक बड़ी डिसाइड करना है कि हम कहाँ ट्रिप पर जा रहे हैं। तो वैसे अगर आपसे मैं बताऊं तो यार देखो दो तीन चीज़ें हैं माइंड में है ना, तो उन दो तीन चीज़ों में से यार एक आध चीज़ अगर मैं आपको बता दूं तो वो होगी भाई देखो लोकल प्लेस पे जाएंगे, तो भाई कल का जो प्लान है वो गुरुग्राम का ही है, बाकी देखते हैं यार कैसा होता है क्या होता है ना, फिलहाल तो अभी तक तो गुरुग्राम का प्लान है और आई होप वो सक्सेसफुल भी हो जाएगा, वो मज़ा भी आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बट देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है, क्या नहीं होता। और फिलहाल भाई देखो अभी ना सर्दियाँ चल रही हैं, टेम्परेचर डाउन हो चुका है, तो यार बहुत सारी चीज़ें और भी हैं यार। कल ना कुछ मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसी जगह अपने को एक्सप्लोर करनी है ना, जहाँ कुछ सर्दियों से रिलेटेड कुछ अच्छी फूडिंग भी हो जाए और ट्रैवल भी हो जाए, एंटरटेनमेंट भी मिले अपने को, तो कुछ ऐसी चीज़ मैं यू नो मल्टीपल चीज़ प्लान कर रहा हूँ, देखते हैं फिलहाल क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता। बट डेफिनेटली यार कल का व्लॉग बहुत मिस मत करना, कल का व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी विल बी ऑन द ट्रिप, तो भाई बहुत मज़ा आने वाला है कल के व्लॉग में, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन एडवांस। तो ठीक है गाइस, अभी फिर मैं सोच रहा हूँ कि इस वाले व्लॉग को फिर यहीं पर एंड करूँ, और अगर आपके भाई का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो भाई प्लीज़ गिव इट अ लाइक, चैनल पे अगर नहीं हो गाइस तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और मिलता हूँ दोबारा कल आपसे एक नए दिन की शुरुआत के साथ, एक नए व्लॉग में, ट्रैवल व्लॉग में। टिल देन स्माइल, कीपिंग योर लाइफ 05, आपके भाई की इंस्टा आईडी, भाई जल्दी से जाके फॉलो कर लो क्योंकि लेटेस्ट अपडेट रील की फॉर्म में सबसे पहले वहीं पर आते हैं।